बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ जी आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज जो है बस एक बात शेयर करूंगा आप लोगों से। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो सलोन वाली, उसमें मैंने बताया था कि अम्मी बीमार हैं। सो आप लोगों ने यार इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे ना वो सारे कमेंट दिल को लगे यार, क्योंकि फ़र्स्ट दफ़ा मैंने ट्राई किया था, बताया था आप लोगों को, और आप लोगों ने बहुत बेस्ट विशेज दी, तो दिल से शुक्रिया यार, दिल से शुक्रिया। सो आज जो है जी वीडियो करते हैं शुरू। और आज का जो मौसम है वो भी काफ़ी ठंडा है, बहुत ठंडा मौसम है। सो पीछे काफ़ी धुंध भी है। अभी जो है पहले दूध लेके आना है, दूध लेके आऊँगा। सो फिर आज अम्मी के नाम पे देग भी उतारनी है, वो बच्चों में भी तकसीम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सो अभी जाकर दूध लेके आऊँगा, फिर बाकी कुक के घर जाना है, नाई के घर जाना है, उसको वहाँ पे उसको देख कर कहना है जिसने बनानी है। सो अभी चलते हैं, फिर दूध लेके आऊँगा, फिर उनके पास जाऊँगा, उनको बोलूँगा, फिर देग की तैयारी करेंगे। सो चलते हैं। और अभी जो है चावल लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि एमरजेंसी सब कुछ बना है। चावल पहले जब 10 तारीख को उतारनी होती थी तब हम लोगों ले आते थे, लेकिन अभी साथ वाले गांव से 6 किस्म के मिल जाएंगे। सो मैं और एक दोस्त जा रहे हैं लेने चावल, और फिर देखते हैं फिर क्या बनता है। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ चावल लेने, और इसका हालत देख लें आप क्या हालत है। और इस हालत में यार स्कूल भी खोल दिए हैं शफकत महमूद साहब ने, क्या बोलें अपनी को यार, इतनी ठंड है बस क्या ही बताएं आपको। अभी हालांकि साथ वाले गांव में जाना है, और ना बस बैंड जो है ना वो बजी पड़ी है ठंड की वजह से। अभी दुकान पर जाके मैं फिर मिलता हूँ आपसे। और बाकी अभी जो है स्टोर पर पहुँचे हैं, चावल वगैरह दे रहे हैं भाई, चावल ले कर फिर चलते हैं। ये हमारे इधर गांव में सबसे अच्छा स्टोर यही है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ से, और अच्छी मिलेगी इसीलिए और अभी जो है ये गैस वाला चूल्हा जब हमने तैयार करवाया था, ये कामयाब हो गया है फाइनली। फिर सिलेंडर पड़ा हुआ है, अभी घर में पका रहे हैं। राय साहब जो हैं वो आ गए हैं, दिखाता हूँ आपको, बैठ देख साफ कर रहे हैं, फिर रखते हैं और करते हैं। अभी देख अच्छी तरह साफ करेंगे, फिर इसमें बाकी ना चावल वगैरह फिर डालेंगे। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह चावल पक्के जो हैं रेडी हो गए। इस दफ़ा हम लोगों ने मीठे चावल की देख बनाई है और रेडी हो गए हैं, अभी बच्चों में तकसीम करेंगे फिर। सो फाइनली गाइस चावल बन चुके थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, और अल्लाह की राह पे दे रहे हैं, बच्चों को खुश कर रहे हैं अम्मी के सदक़े के लिए। सो अभी बच्चा पार्टी जो है वो लेके जा रहे हैं, जब बच्चे खुश हो जाएं सो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। बच्चे जो हैं बहुत खुशी से खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आप लोग भी दुआ करना अम्मी के लिए इंशाल्लाह। वैसे बहुत दिल खुश हो यार मेरे, वो कमेंट्स पढ़ गए। सो थैंक्स फॉर आप वंडरफुल विशेस, और दुआ करना अम्मी जान के लिए।
कैसी लगी जी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरा चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब लाजमी करना है और जल्दी से 3K करवा दो यार, और दुआ करना मुझे जान के लिए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाफिज़।